आज मेरे भाई, क्योंकि आज प्रभु के चरणों का दर्शन हुआ है। और अपने आप को भाग्यशाली समझकर अहिल्या को आंखों में अश्रु धारा बहेगी और आंखों में अश्रु क्या आए, अपने अश्रु से भगवान के चरण को धोगा। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैन के जल से पवित्र हो, अपने नैन के जल से ही भगवान के चरण को धोगा। ये है भक्तों भगवान के प्रति प्रेम। परंतु कुछ समय के बाद धीरज मनोकिन्ना अपने मन के ऊपर धीरज धारण की और भगवान को स्तुति करने लगी। स्तुति करते हुए कहती है, प्रभु आप ज्ञान से परे हैं, आप तो इंद्रियों से अतीत हैं, मेरी जैसी आवला नारी आपको क्या समझ सकती है, मेरी जैसी आवला आपके विषय में क्या बोल सकती है, मैं आपके बारे में क्या जान सकती। परंतु प्रभु मैं इतना सा जानती हूं कि आप साक्षात भगवान हो। देखिए देवी अहिल्या क्या कह रही है कि मेरी जैसी अवला आपको क्या जानेगी, और क्या कह रही है कि मैं बस इतना जानती हूं कि आप साक्षात भगवान हैं और आप इस पृथ्वी पर आए हैं, आप साक्षात ईश्वर हैं और आप इस पृथ्वी पर आए हैं। और प्रभु आप रावण जैसे असुरों का वध करने वाले, प्रभु आप भगवान हो और रावण जैसे असुरों का वध करने वाले। देखिए अभी भगवान को रावण ने मारा नहीं है, रावण ने रावण को अभी तक मारा नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर उपदेश देते हुए अहिल्या कहती है कि आप रावण को मारने वाले हो। भगवान ने अभी तक रावण को मारा नहीं है, लेकिन देवी अहिल्या भी ही कह रही है कि आप रावण को मारने वाले हो। ये बहुत ही सुंदर उपदेश दे रही है भक्तों कि संसार में जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं ना, वो भविष्य निष्ठा हो जाते हैं, उसे भविष्य ज्ञान हो जाता है। रावण रावण रिपुजन सुखदाई, आप तो रावण का वध करने वाले हो। हे कमल नयन, हे राजीव लोचन, हे संसार के समस्त भयों से मुक्त करने वाले, बस अब मैं आपके शरण में आई हूँ और आपके शरण में रहना चाहती हूँ। मेरे हृदय में मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया था प्रभु, मेरे हृदय में बहुत पाप था। जब मेरे पति ने मुझे श्राप दिया तो मुझे लगा कि ये मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, ये बहुत गलत हुआ। मेरे पति ने जो मुझे श्राप दिया बहुत गलत किया, परंतु प्रभु आज मुझे एहसास हुआ कि मेरे पति ने जो मुझे श्राप दिया वो वास्तव में श्राप नहीं, वो तो बहुत बड़ा वरदान था। क्योंकि यदि मैं आपकी भक्ति करती, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक आपकी भक्ति करती, तो भी आपका चरण रज संभव नहीं था। देखिए भक्तों, भगवान का चरण रज देवताओं को तो छोड़िए, मनुष्यों को तो छोड़िए, देवताओं को भी छोड़िए, ब्रह्मा जी देवताओं से भी एक स्तर ऊंचे हैं, उनको भी प्राप्त है। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के पद का प्रक्षालन किया, जब पखारा जब धोया, तो उससे पहले बलि महाराज ने धो लिया था और उसके बाद ब्रह्मा जी को पद सीधा सीधा पद भगवान का आज तक किसी को नसीब नहीं हुआ, किसी देवता ब्रह्मा को। और ऐसे पग आज अहिल्या के मस्तक पर आए हैं, अहिल्या धन्य हो गई। वो कह रही है, प्रभु इस पद को प्राप्त करने के लिए, इस चरण के रज को प्राप्त करने के लिए योगी जन अपने शरीर को गला देते हैं, तपस्वी लाखों लाख करोड़ों करोड़ों वर्ष तक तपस्या करते हैं, पंडित पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, लाखों लाख हवन करते हैं, फिर भी आपके चरण रज को प्राप्त नहीं कर सकता। धन्य है उस मुनि का एक श्राप जिसने मुझे आज आपके चरण का प्राप्त हो गया, इस नेत्रों से मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार अनेक श्लोकों से
देवी अहल्या आ गई, भगवान की उनके भाव को समझना बड़ा कठिन है। और इस प्रकार से अनेक श्लोकों से जब कौशल अहल्या ने भगवान की स्तुति की तो भगवान परम प्रसन्न हो गए। बोले अहल्या मैं परम प्रसन्न हूं, जो चाहिए सो मांग। तब अहल्या ने बहुत सुंदर बोले कि प्रभु मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या आपसे मांगना चाहिए ये मैं नहीं जानती। मैं मति भोरी नाथ न मानो बराना, मुझे वरदान मांगना तो नहीं आता। क्या मांगना है आपसे, क्या मांगना चाहिए, मुझे क्या जरूरत है मुझे खुद नहीं पता। मुझे क्या मांगना चाहिए भगवान से ये बात तो मुझे पता ही नहीं है। हम भगवान के पास जाते हैं और भगवान से क्या मांगना शुरू कर देते हैं। हम अहल्या के सामने क्या बोलते हैं भगवान का, फिर भी हम भगवान के सामने आते हैं और लंबा चौड़ा लिस्ट भगवान को दे देते कि भगवान ये मेरे जीवन की आखिरी मांग है, इसके बाद कभी नहीं मांगना। आप एक आदमी आता है भगवान के पास, भगवान ये मेरे जीवन की आखिरी इच्छा है, आखिरी मांग है, अंतिम प्रार्थना है कि आप मुझे अच्छी नौकरी दिला दीजिए। अच्छी नौकरी मिल जाती है, वही व्यक्ति एक साल के बाद आता है, प्रभु ये आखिरी इच्छा, ये आखिरी मांग, एक घर दिला दीजिए। घर मिल गया, दूसरे साल आता है, प्रभु ये लास्ट वाला है, एक शादी करा दीजिए, कोई सुंदर सी लड़की देख के शादी करा दीजिए। शादी भी हो जाती है प्रभु की कृपा से। फिर तीसरे चौथे साल आता है, प्रभु एक संतान हो जाता। बस ये लास्ट आखिरी इच्छा है, मान हमारा चालू ही रहता है, हम कभी बंद नहीं करते हैं भगवान के पास, बस मांगते जाते हैं, मांगते जाते हैं, मांगते जाते हैं भक्तों। परंतु भगवान से क्या मांगना चाहिए इस जगत में रहकर इस जगत की वस्तु को ही हम मानते हैं। परंतु तो इस शास्त्र का काव्य सिद्धांत है, इस जगत में रहकर भगवान से इस जगत की वस्तु कितनी ही मात्रा में मांग लो, इस जगत में रहकर हमें कुछ भी मिल जाए हम सुखी नहीं हो सकते। यह जेल है, ये जो जगत है एक जेल के समान है। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, पुनः चरण चरण चरणाम। ये जग कैसा है, ये जगत कैसा है, वो सूखा हुआ गन्ना होता है ना, जिससे रस निकाल लिया जाता है, उसके बाद चबाओ तो कोई रस नहीं मिलने वाला। ठीक उसी प्रकार से ये जगत है जिसमें हम बहुत रस की इच्छा रखते हैं परंतु कोई रस नहीं मिलता। कमल लोचन दास प्रभु जी मीरा रोड मुंबई मीरा रोड में पक्के प्रेसिडेंट बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं कि एक दिन एक देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन था, तो उसने निर्णय लिया कि इस साल का जन्मदिन में मैं जेल में मनाऊंगा। अतः वह जेल में चला गया और जेल का जो जेलर था उसे कहने लगा कि जेलर साहब आज आपके जेल में जितनी कैदी कैदियां हैं सबको छोड़ दीजिए। सबको बड़ा सा ग्राउंड था, फील्ड था, उसे बुलाया गया, सब लोग आ गए। बोला देखो आज तुम्हारी जो भी इच्छा है वो मैं पूर्ण करूंगा। पीएम है, प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, वो बोल रहा है कि तुम्हारी जो भी इच्छा है वो मैं पूर्ण करूंगा। लाइन में सब कैदी लग गए, एक एक करके आने लगे। पहला आया, बोले बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। बोलो जब से इस जेल में आया हूं तब से कोई अच्छा खाना नहीं खाया, अच्छे खाने की व्यवस्था हो जाए। प्रधानमंत्री ने जेलर को आदेश दिया कि इसके लिए जेल में एक अच्छा रेस्टोरेंट खोल दिया जाए। वो व्यक्ति उस दिन बड़े अच्छे आनंद से खा लिया। फिर दूसरा व्यक्ति आया, क्या बात है तुम्हें क्या चाहिए, जब से इस जेल में आया हूं तब से कोई अच्छा वस्त्र नहीं पहना। बोले ठीक है इसे रेमोंड के शोरूम से लाकर सूट सिलवा दे दो, उसे कपड़े दे दिए गए। तीसरा व्यक्ति आया कि आपको बहुत दिन से मूवी नहीं देखी है, ठीक है इसके लिए थिएटर में ले जाके इसको
वो ही दिखा दो। ऐसे अनेक लोग आए, सब लोग ऐसी ऐसे कुछ ना कुछ अंत में एक कह दिया, तुम्हारी क्या इच्छा? बोले प्रभु इस जेल में आए हुए बहुत दिन हो गए, अब इस जेल से निकाल दो। अब आप बताओ कौन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, वो आखिरी कैदी या फिर जो पहले मान रहे थे वो आखिरी वाला? लेकिन हम क्या करते हैं, हम पहला दूसरा तीसरा चौथा बनते हैं, आखिरी कभी नहीं बनते हैं। हम भगवान के पास आकर कभी नहीं कहते कि भगवान इस जगत से मुझे आप अपने पास लो, आपके शरण में लो, आपकी शरणों की सेवा में रखो, आपकी भक्ति दो। क्योंकि भक्ति भक्तों अरे भगवान से जिस दिन भक्ति मांगना प्रारंभ कर दिए, जिस दिन से हम भक्ति करना शुरू कर दिए, हमारे जीवन की सारी इच्छाएं स्वतः पूर्ण हो जाए। ये जो जगत है भक्तों, ये जगत को भगवान ने दुख देने के लिए ही बनाया है। भगवान साक्षात भगवद गीता में कहते हैं, हे अर्जुन दुखालयम यश्वाशतम, अर्जुन ये जगत मैंने स्पेशल दुख के लिए ही बनाया है। इस जगत में मैं लोगों को दुख देने के लिए ही भेजता हूँ। जब भगवान ने ही इस जगत को दुख देने के लिए बनाया है, दुख लेने के लिए बनाया है, आप कभी सुखी नहीं हो सकते इस जगत में। अतः यदि सुखी होना है तो इस संसार से निकलकर भगवान के धाम में जाने की इच्छा करनी चाहिए, तब जाके हम सुखी हो सकते। अतः भगवान के पास जाकर हमें क्या मांगना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। भक्तों अहल्या कह रही है क्या मांगना चाहिए ये मुझे पता नहीं। तब अहल्या कहती है, प्रभु यदि आपको देना ही है तो आप वरदान दीजिए कि आप कृपा कीजिए कि मेरा मन रूपी भोरा आपके चरण रूपी कमल की पराग में आ सक रहे। जैसे भोरा कहीं दूर से सरोवर में आता है और उस कमल के पराग के ऊपर, उस कमल के पराग में आसक्त रहता है, उसमें बैठ जाता है, वह जानता है कि संध्या का समय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, अब कमल बंद होने वाला है, यदि मैं इस कमल से बाहर नहीं निकला तो मैं मर जाऊंगा, दब जाऊंगा, फंस जाऊंगा। भोरा अपने प्राण को त्याग देता है लेकिन उस कमल के पराग को नहीं त्यागता। हे प्रभु ठीक उसी प्रकार मेरा मन रूपी भोरा आपके चरण रूपी कमल पराग में हमेशा लगे रहे, आपके चरण को छोड़कर और कहीं नहीं जाए, आपके चरण कमल रूपी रज में आसक्त रहे, ऐसा वरदान दीजिए, मैं निरंतर आपकी भक्ति करते रहूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, अहल्या तुम्हारा उद्धार होगा। और आशीर्वाद देकर भगवान ने अहल्या को जो अति मन भावा सो पर पावा के पति लोक आनंद भरी, जिस लोक में जिस वैकुंठ में उनके पति गौतम ऋषि रहते थे, नित्य धाम में नित्य जगत में भगवान इस सेवा में भगवान ने अहल्या को भेज दिया। तो इस प्रकार देवी अहल्या का उद्धार किया, अपने चरण रज से उस पत्थर रूपी अहल्या को नारी बना दिया। गोस्वामी जी विनय पत्रिका आदि ग्रंथों में लिखते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र ने अहल्या का उद्धार किया और जब पत्थर से नारी बना दिया, ये बात पूरी दुनिया में फैल गई, वायु वेग से पता चल गई, सबको पता चल गया कि भगवान के चरणों में एक ऐसी रज है जो किसी पत्थर को स्पर्श कर लेती है तो वो पत्थर नारी बन जाती है। तो तुलसीदास जी विनय पत्रिका आदि में लिखते हैं कि जब भगवान को वनवास हुआ, दंडकारण्य आदि जंगलों में अनेक ऋषि मुनि रहते थे, बचपन में भावुकता में आकर विरागे ले लिया था, संन्यास ले लिया था, फिर बाद में एहसास पर नहीं भाई गृहस्थ आश्रम ही अच्छा है, शादी कर लेना ही अच्छा है, लेकिन अब उन्हें कौन बेटी दे, संन्यास ले लिया है, सन्यासी को कौन बेटी देगा। तो जिनके जिनके मन में गृहस्थ बनने की इच्छा थी वो लोग पत्थर ढूंढने लगे कि भगवान इस रास्ते से जा रहे हैं, पत्थर रखूंगा, उनके चरण का रज इस पत्थर पे पड़ेगा, ये पत्थर नारी बन जाएगी और हम उससे विवाह कर लेंगे। तो जिसको जैसी पत्नी चाहिए थी, किसी को गोरी पत्नी चाहिए थी तो गोरा पत्थर ढूंढने लगा, काली पत्नी चाहिए थी तो काला पत्थर ढूंढने लगा, पतली पत्नी तो पतला पत्थर, मोटी पत्नी तो मोटा पत्थर, सब लोग अपनी अपनी धुन में रम गए भगवान की तलाश में कि
सब लोग अपने अपने क्लास में लग गए, भगवान आएंगे, भगवान का रज इस पत्थर से स्पर्श होगा और इसके ऊपर जाएंगे। तो इस प्रकार भगवान ने दुनिया का उद्धार किया। गोस्वामी जी कहते हैं, यस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया। भगवान के गुण की ओर दृष्टि करके तो देखो, अरे एक बार भगवान की गुण की ओर दृष्टि करके तो देखो, जो अकारण करुणा वरणालय है, जो हेतु की कृपा अपने भक्तों पर बरसाते हैं, इस संसार में राम से बड़ा दयालु ईश्वर आपको कहां मिलेगा कि जिसकी हम शरण ग्रहण कर सके। रामायणकार अपने मन को समझाते हुए कहते हैं, हे मन, सभी प्रकार के कपट को और जंजाल को छोड़कर उस दीन दयाल भगवान राम के चरणों में लग जा, उनकी भक्ति करने लग जा। तो इस प्रकार से यदि तुम उनकी भक्ति करने लग जाते हो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो इस प्रकार से लीला करते हुए भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया और विश्वामित्र जी ने भगवान को पतित पावन की पदवी। ये प्रभु आप पतितों को पावन करने वाले हो, जो पापी गण है उनको पावन करने वाले हो। भाई एक मजे की बात मैं बताता हूं आपको। भगवान श्री रामचंद्र का जन्म किस कुल में हुआ, बोलिए? आप इतने दिनों से कथा श्रवण कर रहे हैं, रघुकुल। भगवान का जन्म किस कुल में, सब लोग बोलिए, किस कुल में? रघुकुल। इसलिए उन्हें एक रघुपति कहा गया। क्या कहा गया? रघुपति। तो रघुकुल में जन्म लेने के कारण हो गए रघुपति। ऐसे वशिष्ठ जी ने इनका नाम राम रखा था, लेकिन माता कौशल्या प्रेम से कभी कभी इन्हें राघव कह के बुलाती थी, मां ने उन्हें राघव कह के बुलाती थी। तो रघुकुल में जन्म लेने के कारण नाम क्या हो गया? रघुपति। और मां क्या पुकारती थी? राघव। तो क्या हो गया? रघुपति राघव, राजा राम भी नहीं बन गए। अब आगे चलकर भगवान राम अयोध्या के राजा बनेंगे, इसलिए उन्हें कहा जाएगा राजा राम। तो अब क्या बन गया? रघुकुल में जन्म लेने के कारण रघुपति, मां बुलाती थी राघव, इसलिए राघव, रघुपति राघव। आगे चल के अयोध्या का राजा बनेंगे, इसलिए राजा राम। तो क्या बन गया? रघुपति राघव राजा राम। अब बच क्या गया? पतित पावन। पतित की उपाधि तो अभी उनको विश्वामित्र जी ने दे दिया, रघुकुल में जन्म लेने के कारण रघुपति, मां राघव बुलाती थी इसलिए राघव। आगे चल के अयोध्या का राजा बनेंगे, अर्थात राजा राम। अहिल्या जैसे पतित की उद्धार किया, इसलिए पतित तो बन गया रघुपति राघव राजा राम पतित। पावन सीताराम अभी तक नहीं। तो आइए कुछ देर में वो भी कर देते हैं। सीताराम में लेट है, सीताराम में थोड़ा सा लेट है, लेकिन हो जाएगा, सीताराम बाकी है। चलो चलिए उनकी और चले, सीताराम को पूर्ण करने की ओर चले। तत्पश्चात हम गाएंगे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अभी नहीं गाएंगे, है ना? तो मुनि विश्वामित्र राम को लेकर अहिल्या का उद्धार कराने के बाद वन के मार्ग से होते हैं, गंगा के तट पर चलते हुए वशिष्ठ जी ने गंगा की महिमा बताई कि किस प्रकार भगीरथ जी ने भगवान के चरणों से निकली भी गंगा की महिमा विश्वामित्र जी भगवान को ही बता रहे और भगवान बड़े प्रेम से सुन रहे हैं कि किस प्रकार भगीरथ जी ने गंगा को इस धरती पर लाया, ये गंगा किस प्रकार से, गंगा का जल पवित्र है, मां गंगा की महिमा प्रस्तुत की। अब और महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर में पहुंच गए। जनकपुर का परिचय एक पद में रामायण का देते हैं, जनकपुर कैसा, तो जनकपुर जैसा, क्योंकि जनकपुर की ओर कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। तो जनकपुर अपने आप में ही अद्भुत राज्य था और दूसरा कोई राज्य नहीं जिसकी उपमा जनकपुर से लिया जाए। इंद्र के राज की भी उपमा जनकपुर से नहीं लिया जा सकता, ये महत्व है।
जनक को की। ये एक अद्भुत नगर है भक्तों, ऐसा देश है, ऐसा राज्य, ऐसा नगर और कहीं। गोस्वामी जी इसका वर्णन करते हैं, आइए श्लोक के माध्यम से गाते हुए हम वो कथा श्रवण करें। पुर नर नारी सुभग सुचि संता पुर जैसे ही महाराज जनक को पता चला विश्वामित्र ऋषि आए थे, जनक
सारे कार्य को छोड़कर विश्वामित्र के पास आए। ये है भक्तों हमारे देश की सारी भक्त की परंपरा कि बड़े बड़े राजाओं के तख्त बड़े बड़े राजाओं का शर संत के चरणों में झुक जाते थे। पहले लोक मत होता था, लोगों का मत लिया जाता था, लेकिन साथ साथ संत का मत भी होता था। आज लोकसभा है, लोक मत है, लेकिन संत मत नहीं है। इसलिए समाज आज यस्त व्यस्त है, ये हाल बना हुआ है समाज का। धन्य है महाराज जनक, पता चला कि विश्वामित्र ऋषि आए हैं, अपना सारा कार्य को छोड़कर विश्वामित्र के पास आए और आकर उनको प्रणाम किए, दंडवत किए, और जब खड़े हुए तो उनके साथ करोड़ों करोड़ों कामदेव को मूर्छित करने वाले सुंदर छवि राम का दर्शन हुआ। जनक जी देखते रह गए। जनक जी कहते हैं, सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिनी चंद चकोरा। हे विश्वामित्र जी, मैं तो जनक हूं, लोग मुझे विदेह कहते हैं, मैं तो आत्मा के स्तर पर रहने वाला आदमी हूँ, मैं तो शरीर की बुद्धि नहीं रखता, मैं आत्म बुद्धि रखने वाला आदमी हूँ। हे मुनि विश्वामित्र जी, सहज ही आत्मा में नमन करने वाला मैं जनक आज इस लड़के पे इतना मोहित क्यों हो रहा हूँ? मैं विदेह हूँ, फिर भी आज मुझे इस लड़के पे इतनी आसक्ति क्यों हो रही है? ये लड़का कौन है, कृपया करके आप बताइए। विश्वामित्र जी ने कहा, ये रघुकुल के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र कौशल्यानंदन राम है।